तो आगे आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि शायद ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि मैं गाइस थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ आज तो भी ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मुझे शौक नहीं है ऐसे वीडियो बनाने की गाइस, क्योंकि मैंने एक स्पॉन्सर किया, शायद उससे आप लोग मुझसे नाराज हो गए और मेरे वीडियोज़ को नहीं देखते। जब मैं वहाँ पर गया था यार, तो मैंने सोचा था आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दोगे, आप लोगों ने दिया, हर वीडियो पर 5,000 6,000 रुपये जाने लगे, मैं बहुत खुश था। मैंने मम्मी पापा को बताया कि बहुत जल्दी मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो घर में सब लोग बहुत खुश थे। और आप लोगों ने होप टॉक वाली वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया, वो मिलियन में गई, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी मत करो भाई। अब सभी से हाथ जोड़ता हूँ यार, क्योंकि मैं आपके भरोसे पर हूँ यार, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। क्योंकि एक बात होता है ना, क्योंकि आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इतना इतना दुखी हुआ, फिर मैंने खुद दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया यार गाइस, मैं कभी नहीं टूटा, हमेशा उठकर गिरा हूँ, उठकर किसी ने मुझे कैसा भी बोला, या बंदर बोला या कुछ भी बोला हो, मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा। मैंने हंस के बात टाँगी हुई, हमने हुई है बोलते हैं जो बोलते हैं, फिर मैं यूट्यूब पर आया, हमने सोचा कि आप लोग मुझे प्यार दोगे। मैंने बहुत चैनल पर काम किया, मुझे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि आप तो जानते हो, जब तक यानी जो इंसान दुखी होता है जब तक वो जिंदा है तब तक कोई उसका साथ नहीं देता है, जब वो इस दुनिया को विदा कर देता है कह देता है तो उसे चार कंधों पर ले जाया जाता है, और जब तक वो जीवित था तब तक किसी ने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्या हाल चाल है आपकी। तो आपसे बस यही कहूँगा, क्योंकि मुझे तो शायद आप लोग वीडियो के बाद बोल भी जाओ, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा आपसे अर्जेंट, आपका भी अगर कोई ऐसा है और पड़ोस में या जो दुखी रहता है तो उसे उसे बतलाया करो, उसे सपोर्ट किया करो। मेरा क्या है, मैं तो आपसे अनजान, बड़ी दूर, पता नहीं आप कहाँ मैं कहाँ, बस यही कहना चाहता था यार। मैं क्या बोलूँ यार, मैं सब पहला दुख यही होता है कि अगर उसके शरीर में कोई रोग है या कोई परेशानी है तो वो दुख उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है गाइस, मेरे लिए ये दुख खुद बड़ा दुख है, इसे मैं नहीं भूल पाऊँगा जिंदगी में ना, क्योंकि ये मेरे लिए एक असराफ है ना। मैं यूट्यूब पर आया, मैंने कहा चलो अपने थोड़े सपने पूरे करूँगा, अस्पताल लूँगा आप लोगों से, और थोड़े पैसे आएंगे तो मैं भी घूमूंगा, सभी देख आऊँगा पूरी दुनिया, लेकिन शायद वो मेरा पूरा नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते यार। बस यार इतना ही कहना चाहूँगा यार कि यार दिल से सपोर्ट किया करो, जिसे भी किया करो यार, आप सबको करते हो यार, शायद मेरे लिए यूट्यूब नहीं होगा, शायद मैं सक्सेस नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या बोलूँ यार मेरे पास, क्योंकि यार जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो, आप लोग परेशान हो जाओ वीडियो देखते देखते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खेत पात की वीडियो ही बनाता हूँ, कहीं पर जाता नहीं हूँ। आप मेरी जगह पर रह के सोचो गाइस, अगर कहना पापा के पैसे पर कहीं घूमने जाऊँगा तो वो ठीक है, वो भी तो ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैं खेत खलिहान का ही वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ। आप लोग प्यार दे रहे थे लेकिन अब पता नहीं क्या बात हो गई, जबकि वैसे आप लोगों को पता कि मैं हर बार सॉरी बोलता हूँ, अगर मुझसे इतनी भी गलती हो जाए तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान हो यार, कोई अपने भगवान को थोड़ी नाराज़ करता है ना, मैं कैसे भी नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज हो गए, क्या करें आप क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि मेरा डेली 8 बजे भी लोग आ जाता है, और आपके विद्यालय खुल चुके हैं तो आप पढ़ने अगर जाते हैं तो मुझे बताओ कि भाई अपना चेंज कर दो टाइम, मैं वीडियो का टाइम चेंज कर दूंगा, आप बताओ उतने बजे अपलोड करूँगा, लेकिन देख लिया करो यार, क्योंकि आप लोग मेरी जान हो यार, जान शरीर से कभी जुदा नहीं होती यार, तो प्लीज़ यार उसे जुड़े रहो हमेशा यार, मुझे दिन से प्यार करो भाई प्लीज।